हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप ऑफ अर्शका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज मैं करने वाली हूँ अपना नाइट स्किन एंड हेयर केयर रूटीन। तो सबसे पहले मैंने अपने हेयर्स को ओपन कर लिया था, उसके बाद मैं अपने हेयर्स पे जितने भी पिंस को लगाया उनको रिमूव करने के बाद जो भी मैंने ब्रेड्स की थी उसको मैं ओपन करी। इसके बाद मैं अपने हेयर को करने वाली हूँ डी टैंगल विद दी हेल्प ऑफ अ कॉम, जिसकी टूथ में बहुत ज़्यादा गैप है। तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइप के कॉम से जब भी आप अपने हेयर को डिटेंगल करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, अगर आप लोगों के हेयर मेरे जैसे लंबे और उलझे हुए रहते हैं तो। तो उसके बाद मैंने ये है पैराशूट का कोकोनट ऑयल अप्लाई किया अपने हेयर की लेंथ पे। इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे लेंथ पे, तो अपनी लेंथ को अच्छे से ट्विस्ट करने के बाद मैं अपने बालों को डिटेंगल करना स्टार्ट कर रही हूँ एज ऑफ दी हेयर्स। उसके बाद मैं ऊपर की ओर आ रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने अपने सारे बालों को डिटेंगल कर लिया है। तो मैं अपने दूसरी साइड के हेयर्स को भी सेम इसी प्रोसेस की हेल्प से अच्छे से डिटेंगल कर लूँगी। इसको डिटेंगल करने के बाद हम अपने बालों को करने वाले हैं टाई। हो चुके हैं, इसके बाद मैंने अपने हेयर पे किया 3 स्ट्रैंड ब्रेड। तो अच्छे से टाई करके सोना है, अपने बालों को कभी भी नाइट टाइम पे खुला नहीं रखना, इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और मॉर्निंग टाइम में डिटेंगल करने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मैं अपने लिप्स को एक्सफोलिएट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ टूथ ब्रश, बिकॉज हम अपने लिप्स से इतनी सारी लिपस्टिक और लिप ग्लॉसेस अप्लाई करते हैं तो हमारे लिप्स में भी बहुत सारी डेड स्किन जम जाती है। तो उसके बाद मैं अपने स्किन पर अप्लाई करने वाली हूँ क्लेंजर, मिल्क क्लेंजर है ये। अगर आप लोग पास कोई भी क्लेंजर है आप उसको यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास क्लेंजर अवेलेबल नहीं है तो आप रॉ मिल्क को यूज़ कर सकते हो। तो इसको अच्छे से फेस पे अप्लाई करने के बाद मैं इसको मसाज करूँगी, जिससे मेरे फेस पे जितनी भी डॉट है और मेकअप है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसको अपने आईलिड पे भी अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद मैं अपने फेस को कर रही हूँ वॉश। तो आफ्टर वॉशिंग मैं अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ टोनर्स, बिकॉज मेरे फेस पे कुछ एरियाज थे जहाँ पे बहुत सारे पिंपल हो चुके थे। तो पहले मैंने रोज़ वाटर को अपने फेस पे अप्लाई किया, इसके बाद मैं एक्सट्रेंजर को अप्लाई करी अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया लाइक जहाँ पे भी पिंपल्स है। ये हेल्प करता है आपके पिंपल्स के सभी बैक्टीरियाज को बैक्टीरियाज प्रोटेक्ट करता है और आपके पिंपल गायब हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद मैंने अपने फेस पे लगाया है एलोवेरा जेल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।